अस्सलाम वालेकुम कंसल्टेंट साइट एंड बाय पॉपुलस के यूट्यूब चैनल से मैं दानियाल नासिर, उम्मीद है आप सब खैर वापस होंगे। फिर आज की हमारी वीडियो पाम सिटी लाहौर के हवाले से है, जो मेन फिरोजपुर रोड पे किसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या फिर अपनी रिहाइश करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए खासन हमारी वीडियो है। और जो पाम सिटी लाहौर में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो होगी, क्योंकि जारी बात है मैं आपको भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, कि अभी इसको लिक्विडेट कर देना चाहिए कि मज़ीद इसको होल्ड करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे कि ये सोसाइटी कैसी है, आपको क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ देखेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स पे देखेंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स पे देखेंगे, और स्टार्ट करेंगे इसकी लोकेशन से, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर आती है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अप्रूवल स्टेटस के हवाले से कि क्या ये LDs अप्रूव्ड है कि नहीं है, टोटल एरिया कितना है, कितने इसके ब्लॉक्स हैं, प्लॉट्स कटिंग रेट्स, और इसके जो अमेनिटीज़ हैं यहाँ पर क्या क्या आपको अमेनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, मैनेजमेंट की तरफ से मैनेजमेंट कैसी है, इंशाल्लाह ताला आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी। और इसके सराउंडिंग के हवाले से भी थोड़ा सा मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगा, इसके सराउंडिंग में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, कौन कौन सी सोसाइटीज़ मिलती हैं, वहाँ पर क्या रेट्स हैं और वहाँ पर क्या अमेनिटीज़ आपको दी जा रही हैं, उनके साथ कंपेरिजन भी थोड़ा बहुत किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन से। इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर आती है। तो इस गंजुमता इंटरचेंज से अगर हम बात करें कसूर सिटी की तरफ के, कसूर सिटी और गंजुमता इंटरचेंज का कितना डिस्टेंस बनता है, तो तकरीबन 35 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इससे तो बहुत पीछे सोसाइटी आती है पाम सिटी लाहौर। गंजुमता इंटरचेंज से अगर हम मूव करते हैं कसूर सिटी की तरफ, तो मैक्सिमम विड्थ आप 6 किलोमीटर की ड्राइव करेंगे, राइट साइड पे आपको पाम सिटी लाहौर की एग्जैक्ट लोकेशन देखने को मिल जाएगी, जो टोटल 100 एकर्स पे मुश्तमिल एक सोसाइटी है जिसमें टोटल 9 ब्लॉक्स हैं। और इसके अप्रूवल स्टेटस के हवाले से बात करेंगे, ये टोटली LD से अप्रूव्ड है। और यहाँ पर अगर हम आबादी की बात करेंगे, आबादी यहाँ पर काफ़ी बेहतर हो चुकी है, पहले यहाँ पे 40% के अराउंड थी, अगर 100 में से बात करें 40% थी, बाकी यहाँ पर प्लॉट्स मिलते थे, अब यहाँ पर तकरीबन 45% to 50% के इन बिटवीन हो चुकी हुई है। 6 to 8 months पहले जो है यहाँ पे 40% थी, अब काफ़ी वैसे बेहतर हो गया, इस तरह से लोग यहाँ पे घर बनाना शुरू हो चुके हुए हैं, मजीद कंस्ट्रक्शन बेहतर से बेहतर होती जा रही है। और मैं उन लोगों को मुखातिब करना चाहूँगा कि जो मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर एक पुरसकून वाली सोसाइटी का इंतखाब करना चाह रहे हैं, तो वो पाम सिटी लाहौर का इंतखाब कर सकते हैं। और आपको ये बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी मिलती है पूरे मेन फिरोजपुर रोड पर, जितनी भी सोसाइटीज़ मौजूद हैं उनमें नंबर 1 पे पीसफुल एटमोसफेयर वाली, इन्वायरमेंट वाली पाम सिटी लाहौर सोसाइटी है। और मेनटेनेंस का यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ख्याल रखा जाता है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये प्रोज एंड कॉन्स में इसके हवाले से बताऊंगा कि इसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अभी हम बेसिक बात कर लेते हैं इसकी कटिंग के हवाले से, रेट्स के हवाले से, अप्रूवल के हवाले से मैंने बता दिया कि LD से अप्रूव्ड है। ऑब्वियसली यहाँ पे स्पाइस अरीना रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट है, जो बहुत ही कमाल का रेस्टोरेंट है, A+ क्वालिटी वहाँ पर आपको फूड मिलता है, वहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग खाना खाने आते हैं। और ये बिल्कुल पाम सिटी लाहौर की एंट्रेंस के ऊपर ही, मीन्स कि जहाँ से आप पाम सिटी लाहौर में एंटर हो रहे हैं, तो राइट साइड पर मेन फिरोजपुर रोड फेसिंग ये रेस्टोरेंट है। और ये रेस्टोरेंट जो है काफ़ी टाइम से ऑपरेशनल भी है, और यहाँ पे आपको जो खाना है, यहाँ पे जो रेट्स हैं, वो खाने के हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाई हैं, क्योंकि 5-स्टार होटल में, 5-स्टार रेस्टोरेंट्स में जो आपको रेट्स मिलते हैं सेम वही रेट्स हैं। पाम सिटी लाहौर की अगर बात करें, यहाँ पे आपको 100 एकड़ के अंदर एक सोसाइटी मिलती है पाम सिटी लाहौर, जिसके टोटल 9 ब्लॉक्स हैं, A ब्लॉक से लेकर E ब्लॉक तक। E ब्लॉक वैसे अभी रिसेंटली आया है, वहाँ पे एक न्यू डील लॉन्च की गई है, 3 ईयर्स के पेमेंट प्लान के मुताबिक है, वहाँ पे प्लॉट्स आपको दिए जा रहे हैं A ब्लॉक से लेकर E ब्लॉक तक। इसके अलावा बाकी 4 जो ब्लॉक्स हैं वो हैं पाम इनक्लेव, पाम एवेन्यू, पाम सफायर और न्यू पाम स्प्रिंग, ये टोटल बनते हैं 9 ब्लॉक्स। इस तरह आपके टोटल 9 ब्लॉक्स बन जाएंगे और पाम सिटी लाहौर मुकम्मल हो जाएगी। तो बस यहाँ पे प्लॉट्स कटिंग की बात करेंगे, 3.5 मरला, 4 मरला, 5 मरला, 6 मरला, 7 मरला, 8 मरला और 10 मरला और 11 मरला और 12 मरला भी कुछ यहाँ पे प्लॉट्स मौजूद हैं। जो स्टैंडर्ड साइज़ के प्लॉट्स हैं वो हैं 3.5 मरला, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला। बाकी जो प्लॉट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको बहुत लिमिटेड मिलते हैं, और बहुत मुश्किल से उसकी जो है मार्केट में फॉर सेल कोई ना कोई ऑप्शन आती है, वैसे बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं आती, या कुछ जो हैं जो प्लॉट्स जो थे उनमें मैक्सिमम जो हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, तो वहाँ पर अब रिहायश में पजीर भी लोग हैं, तो वहाँ पे कोई फॉर सेल ऑप्शन नहीं आती। जो मैक्सिमम आपको प्लॉट्स फॉर सेल मिलते हैं मैंने आपको बताया, जो स्टैंडर्ड साइजेस के हैं 3.5 मरला हैं, 5 मरला हैं, 8 मरला हैं और 10 मरला हैं। प्राइसेस की भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पर मरला क्या रेट चल रहा है इस टाइम मार्केट के मुताबिक, करंट सिचुएशन जो भी है यहाँ पर, मिनिमम यहाँ पे जो पर मरला रेट है 12 लाख पर मरला से लेकर मैक्सिमम 16 लाख पर मरला यहाँ पर रेट चल रहा है। 3 मरला प्लॉट की प्राइस की बात करेंगे 45 लाख से लेकर 55 लाख के इन बिटवीन, इसके प्लस माइनस में आपको एज पर लोकेशन 3 मरला का 3.5 मरला का प्लॉट मिल जाएगा। जो 5 मरला का प्लॉट है वो आपको मिनिमम 55 लाख से लेकर
और मैक्सिमम आपको 75 लाख, ये मैं ऑन ग्राउंड डेवलप पोजेशन में प्लॉट्स की भी बात करूँ, 55 लाख से लेकर 75 लाख के इन बिटवीन। बाकी भी जो प्लॉट्स जो हैं वो भी इसी तरह 12 लाख से लेकर 16 लाख पर मरला के अराउंड जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो कमर्शियल की व्यूर्स बात करते हैं, कमर्शियल यहाँ पे 2.5 मरला है, 4 है, 4.5 मरला है, 5 मरला है और 8 मरला है। इनकी रेट्स की अगर बात करेंगे आपको 2.5 मरला का जो कमर्शियल प्लॉट है वो आपको 1 करोड़ के प्लस माइनस में मिलेगा। जो कॉर्नर कैटेगरी का प्लॉट आ रहा है उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, जो स्टैंडर्ड साइज के प्लॉट्स हैं उनके प्राइस यहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ के प्लस माइनस में एज पर लोकेशन है। और इसके अलावा जो 4.5 मरला का कमर्शियल प्लॉट है उसकी जो प्राइस है मिनिमम 1.25 करोड़ से लेकर 1.35 करोड़ के प्लस माइनस में एज पर लोकेशन। और 8 मरला का जो कमर्शियल प्लॉट है उसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है 1.80 करोड़ से लेकर मैक्सिमम 2.10 करोड़ तक, इसके प्लस माइनस में एज पर लोकेशन यहाँ पे रेट्स हैं। तो ओवरऑल ये मैंने आपको कमर्शियल के वाले से भी गाइड कर दिया हुआ है। मजीद इसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसकी तरफ अब आते हैं कि यहाँ पे जो पॉजिटिव पॉइंट्स पहले हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे जो मेजर जो मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगा है वो ये कि ये टोटली लैंड LDS अप्रूव्ड है, टोटली सोसाइटी LDS अप्रूव्ड है और यहाँ पर आपको बिजली पानी गैस की भी सहूलत मुयस्सर है। जी हाँ गुड्स यहाँ पे मुयस्सर है और यही आपकी अमेनिटीज़ में भी आ जाती हैं। अमेनिटीज़ में आपको यहाँ पे अच्छे खासे डेवलप पार्क्स मिलते हैं, एक आपको मस्जिद मिलती है जो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी वहाँ पे अच्छा जो है एटमॉस्फेयर मिलता है। इसके अलावा वाटर सप्लाई और सीवरेज का काम यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मिलता है मैनेजमेंट की तरफ से। मैनेजमेंट ने इस पर काफ़ी गौर फिक्र की है और काफ़ी गहराई में जाकर इसकी पेन ली हुई है। तो ये चीज़ें विर्स एक पॉजिटिव पॉइंट्स में आ जाती हैं, मैंने जिसमें आपको बता दी LDA अप्रूवल और अमेनिटीज़ में मैंने पार्क्स बता दिया आपको। जो रोड्स हैं यहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं वो काफ़ी साफ़ सुथरी हैं और जो सर्विस चार्जेस लिए जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी में ये होता है अगर आप किसी मोहल्ला टाइप एरिया में रहते हैं या आपको वहाँ का आइडिया है तो सोसाइटी का नहीं आइडिया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा सोसाइटी में जो रेजिडेंट्स रह रहे होते हैं उनसे सर्विस चार्जेस लाजमी लिए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सर्विस चार्जेस की तो 5 मरला घर के जो सर्विस चार्जेस हैं इस टाइम तकरीबन 5400 चल रहे हैं। जी हाँ व्यूअर्स, वो इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे बिजली पानी गैस की सहूलत मुयस्सर है, क्योंकि गैस जो है वो आपको मिलती है LNG, क्योंकि यहाँ पे दूसरी गैस जो हमारे सिटी में अगर हम कहें बस ये भी सिटी के अंदर ही एरिया आता है, जो हमारे सिटी में जैसे कि फेमस एरिया है इकबाल टाउन है, समनाबाद है, जोहर टाउन है, फैसल टाउन है, वापरा टाउन है, यहाँ पर हमें SNGPL देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पर LNG है इसलिए उसके जो प्राइस हैं काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पर अगर गैस का बिल आता है तो काफ़ी लोगों को ज़्यादा आता है और यही एक मेन रीज़न है, क्योंकि गैस इनकी एक हिसाब से अपनी है, ना कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, कोई ऐसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे गैस की जो रेट्स हैं काफ़ी हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और सेकंड जो मेजर एक नेगेटिव पॉइंट है वो मार्केट है, कि यहाँ पे मार्केट स्टैब्लिश नहीं है, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो यहाँ पे पूरी नहीं हो सकती, हमें किसी और सोसाइटी मीन्स कि इस सोसाइटी से बाहर निकलकर अपनी उस नीड को पूरा करना पड़ता है। सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम जो है बिल्कुल इसके साथ वॉल टू वॉल कनेक्टेड है, वहाँ पे जाके हमें अपनी जो रिक्वायरमेंट्स अपनी जो नीड है वो पूरी करनी पड़ती हैं, जिसमें हमें फार्मेसी नहीं मिलती, स्कूल नहीं हमें कोई यहाँ देखने को मिलता, इसके अलावा हमें कोई दूध देंगे दुकान तंदूर इस तरह की कोई जो भी हमारी बेसिक नीड है वो यहाँ पर नहीं मुयस्सर हैं, ये इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। कोई यहाँ पर फास्ट फूड की चेन्स नहीं हमें मिलती, यहाँ पर खाने पीने के लिए अगर बात करें तो कोई ऐसी मार्केट यहाँ पर स्टैब्लिश नहीं है। पाम सिटी के बाहर की अगर बात करें तो कोई ऐसी ब्रांडेड मतलब कि ब्रांड से मुराद के जो अब ब्रांड बन चुके हुए हैं, जैसे कि हमें मैकडॉनल्ड्स फ्राइज चिक्स है, KFC है या पापा जॉन्स है, ये जो भी हमारे खाने पीने के लिहाज से फास्ट फूड के या रेस्टोरेंट्स के जो बड़े ब्रांड्स हैं और जहाँ पे हर क्लास जो है जाके अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेती है। मैं उस लिहाज से वैसे बात करूँ ऑलरेडी स्पाइस अरेना की मैंने बात कर दी है कि स्पाइस अरेना यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो हर क्लास की एक रिक्वायरमेंट पूरी जहाँ पर हो सकती है उस तरह के यहाँ पर ब्रांड्स मौजूद नहीं है, फास्ट फूड की चेन्स मौजूद नहीं है, रेस्टोरेंट्स में उस तरह से मौजूद नहीं है। लेकिन ये जो ड्रॉबैक था ये अभी कुछ ही टाइम तक रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पे बिल्कुल पाम सिटी लाहौर के बिल्कुल वाटर वॉल कनेक्ट एक मॉल शॉपिंग मॉल जो कि बनने जा रहा है, पाकिस्तान का पहला डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट शॉपिंग मॉल ये बनने जा रहा है, जिसकी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है और 73 किनाल के रकबे के ऊपर ये बनने जा रहा है और वो भी टोटली LDA से अप्रूव्ड है। और वहाँ पर 6 टावर्स बनने जा रहे हैं, पहला टावर वहाँ पे लॉन्च हो चुका है, उसकी कंस्ट्रक्शन माशाल्लाह प्रॉपर स्टार्ट भी हो चुकी हुई है और ये पूरी एक कम्युनिटी बनने जा रही है। 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे हमें ये ऑफर किया जा रहा है शॉपिंग मॉल। और ये डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट का जो कंसेप्ट है ये ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया। वैसे आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा फैक्ट्री आउटलेट की, जो कि क्रीम मार्केट के अंदर हमारे पास कुछ
जो है आउटलेट्स मिलती हैं फैक्ट्री की, जहाँ पे पूरा साल 50% तक सेल लगी रहती है। तो अब ये पूरा ऐसा मॉल बनाने जा रहे हैं कि जहाँ पे आपको डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स, मतलब कि फैक्ट्री के आउटलेट्स मिलेगी और वहाँ पे पूरा साल 50% ऑफ लगा रहेगा और वहाँ पे आपको मैक्सिमम फुटफॉल भी मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 13 के करीब सोसाइटीज़ मौजूद हैं मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर। कसूर से जो लोग हैं स्पेशली जाते हैं शॉपिंग के लिए एम्पोरियम मॉल, पैकेजेस मॉल वैसे नियर बाय उनके हैं। तो तकरीबन अगर हम बात करें इस पाम सिटी लाहौर की लोकेशन से, पैकेजेस मॉल तकरीबन 30 किलोमीटर के अराउंड बनता है। जी हाँ, अब बिल्कुल साथ ही आपके बनने जा रहा है लाहौर स्काई मॉल, जहाँ पर आपको फूड कोर्ट ऑफर किया जा रहा है। थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे दो फ्लोर्स डेडिकेट ही कर दिए गए हैं कि फूड कोर्ट के ऊपर आपको ऑफिस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये जो डिज़ाइन है ये कैंटिलीवर डिज़ाइन है, चार ब्लॉक्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहला ब्लॉक हमारा सारा कमर्शियल है, सेकंड हमारा सारा ऑफिस का है, आईटी पार्क है जो 2.5 लाख स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा जो है इसका एरिया बनता है, और जो थर्ड ब्लॉक है वो हमारा अपार्टमेंट्स का है, जो फोर्थ ब्लॉक है वो भी अपार्टमेंट्स का है, उसमें आपको सर्विस अपार्टमेंट स्पेशली दिए जा रहे हैं जो फोर्थ ब्लॉक है। उसके अलावा वहाँ पर टॉप जो फ्लोर्स होंगे जो 25 वैसे इसकी स्टोरी हैं टोटल, और 350 प्लस फीट इसकी हाइट है। जो टॉप के दो फ्लोर्स हैं वहाँ पे हमें पेंट हाउसेस भी ऑफर किए जा रहे हैं। फिर ये काफ़ी ज़बरदस्त एक शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है पाम सिटी लाहौर क्या, बल्कि जितनी भी यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं कसूर की अगर बात करें, उनकी भी जो एक रिक्वायरमेंट रहती है, नीड रहती है, उनको इतना पेट्रोल खर्च करके इन पैकेजेस मॉल इम्पोरियम मॉल जाना पड़ता है, उनकी भी जो एक रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी पूरी होने जा रही है, और अपना वो पेट्रोल भी वगैरह भी बचा सकेंगे। और पाम सिटी लाहौर वालों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की है। अब मैं उन लोगों के लिए बात करने जा रहा हूँ कि आप लोग अभी इसको सेल मत कीजिएगा, ऑलरेडी अगर मौजूद है तो उसको मज़ीद होल्ड कर लें, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद फ़ायदा होगा। ऑलरेडी वैसे आपको हो ही रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी जो है फाइल है जो कि माइनस में नहीं गई बल्कि पॉजिटिव ही रही है इसकी मार्केट, कभी इसके मार्केट नेगेटिव हमें देखने को नहीं मिली पाम सिटी लाहौर की। मैंने इसका पिछला होमवर्क सारा किया, देखे मैंने इसके स्टैट्स देखे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी काफ़ी वो प्रॉफिट पे हैं। चार साल का अगर बात करें, चार साल में जो 5 पिला प्लॉट हमें 35 लाख का मिलता था वो आज 65 लाख के अराउंड हो चुका हुआ है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इसकी मार्केट जो है पॉजिटिव ही रही है, कभी नेगेटिव नहीं मिली। तो अभी भी यही मशवरा है कि इसकी लाहौर स्काई की भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी हुई है, माशाल्लाह विद इन 4 ईयर्स आपको ये कम्प्लीट कर दिया जाएगा मॉल। और यहाँ पे अगर आप बाइंग करना चाहते हैं स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपने कमर्शियल में बाइंग करनी है तो आप कमर्शियल में लाजमी बाइंग करें, क्योंकि लाहौर स्काई मॉल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। अगर आप पाम सिटी लाहौर में अपनी रिहाइश के लिए अपना कोई घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। पाम सिटी लाहौर में आप प्लॉट वगैरह बाय करके वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लें। अगर आपने जस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, वहाँ से एक अच्छी हैंडसम रेंटल इनकम हासिल करनी है, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लाहौर स्काई मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और लाजमी करें, क्योंकि अभी प्री लॉन्च प्राइसेस चल रही हैं और ये रेट्स बहुत जल्दी रिवाइज भी होने जा रहे हैं। इसके जो डेवलपर्स हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि OZ डेवलपर जो कि ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है, पिछले 15 सालों का उनका कंस्ट्रक्शन का भी एक्सपीरियंस है, तो बहुत ज़बरदस्त डेवलपर्स हैं। इन्होंने मार्केट का ट्रेंड भी चेंज किया है, लाइव CCTV कैमरा वहाँ पे इंस्टॉल करके साइड के ऊपर जहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। अगर आपको लिंक चाहिए होगा मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा कि आप अपने घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने का बैठे हैं तो आप लाइव कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी ट्रेंड चेंज किया कि इन्होंने पहले कंस्ट्रक्शन शुरू की है उसके बाद सेल ओपन की है, ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि डेवलपर्स अमूमन जो पाकिस्तान के अंदर स्पेशली देखने को मिलते हैं कि पहले सेल ओपन की जाती है उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन प्रॉपर स्टार्ट की जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टोटली LDS अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान का पहला डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो पाम सिटी लाहौर के वाले से, मैंने आपको सारा मैंने गाइड कर दिया, इसकी लोकेशन, इसका जो अप्रूवल स्टेटस है, रेट्स हैं, कटिंग यहाँ पर और सजेशंस मैंने आपको बता दिए, न्यूट्रली एक एनालिसिस हमने किया है पाम सिटी लाहौर का, प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बता दी हैं, क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये चीज़ आपने नहीं बताई, तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। मज़ीद आज की इस वीडियो के हवाले से भी आपके माइंड में कोई भी कंसर्न्स हो, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।